लीजिए एक बार फिर से जुड़ते हैं आप लोगों के साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट ए टू जेड प्रोजेक्ट एंड मॉडल पलवल के साथ। ये हमने एक मॉडल बनाया है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इसमें देखिए, इसमें हमने ट्रीज, रोड, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, माउंटेन एरियाज, इसके बैक साइड में हमने देखिए ये लगाए हैं विजिबल लाइट, सन, रिफ्लेक्टेड लाइट, एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह के साइन लगाए हैं। अब इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी ये हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये थ्री डायमेंशन में मैंने आपको दिखाया है। अब हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें एक बेस। मैंने ये बेस लिया है, लगभग 2 फुट 1.5 फुट इसकी लंबाई चौड़ाई है। मैंने इस पर चारों तरफ कलर भी किया हुआ है, रेड कलर। क्योंकि मॉडल्स हम इधर उधर एग्जीबिशन वगैरह में भी रखते हैं, अगर हम थर्मोकोल यूज़ करते हैं तो अक्सर ये टूट जाते हैं, इसलिए मैंने ये प्लाई बोर्ड का बेस लिया है। ये लीजिए, ये देखिए, इसके साथ में मैंने एक थर्मोकोल का पीस बैक साइड में लगाने के लिए, एक ये सर्कल मैंने लिया है, बनाया है थर्मोकोल शीट का। ये थोड़ी सी मोटी सर थर्मोकोल है, मैंने देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इस पर निशान लगाया है। इस निशान का फ़ायदा ये है कि इसको मैं सीधा कट करूँगा और जब मैं कट करूँगा तो ये बोर्ड के ऊपर जो होगा बेस आएगा इसका और ये आसानी से खड़ा हो जाएगा। ये देखिए, और इसके साथ में मैंने ये एक कलर शीट, ये एक ये पेस्टिंग वाली कलर शीट ली है। इसके साथ मैंने एक ब्लू कलर की शीट भी ली है जो बैक साइड में लगानी है। ये देखिए, मैंने ये ब्लू कलर की शीट ली है, ये पेस्टिंग वाली शीट है और ये बहुत आसानी से किसी भी सरफेस के ऊपर पेस्ट हो जाती है। इसके साथ में मैंने ये एक माउंटेन भी बनाया हुआ है। माउंटेन के साथ में अब और किस कुछ ऐसी चीज़ें भी जो होंगी जो हम इन्हें अच्छे से बनाने के लिए लेंगे, जैसे कि ये ट्रीज है, ये ट्रांसपोर्ट है, कुछ स्ट्रॉ भी हैं, ये कलर्स फैब्रिक कलर्स हैं। इसके साथ में हमने सीजर, नाइफ, ग्लू गन, फेविकोल, फेविकोल की जगह मैं प्रोबोंड यूज़ करता हूँ क्योंकि ये जल्दी पकड़ लेती है। इसके साथ में हमने गोल्डन कलर की एक फोम शीट भी ली है,
स्पार्कल शीट जिसको बोलते हैं ग्लिटर वाली, ये मैंने सन के लिए, ये देखिए ये मैंने हाफ बोल ली है, हाफ बोल मैंने उस दूसरे पर पेस्ट की है, ये हाफ बोल है। इस पर येलो कलर भी अभी करना है, इस पर येलो कलर हम पहले भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने एक ये बॉक्स लगाए हैं जिनसे ये फैक्ट्री बनी है, और एक ग्लास भी लगाया है, ये जिसमें हम जूस वगैरह पीते हैं वो ग्लास यूज़ कर सकते हैं। एक ये बॉक्स जो है, ये मैंने चौक वगैरह के जो बॉक्स होते हैं वहाँ से परचेज़ किया है, 10 रुपीज़ का मिला है ये खाली बॉक्स। इसके साथ में ये ग्रीन, ये रेड कलर की पट्टी भी ली है, ये माउंट बोर्ड की है, जो कि हम जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं तो इसके ऊपर का हिस्सा दिखाने के लिए। साथ में ये कलर शीट ली हुई हैं चिमनी वगैरह बनाने के लिए, और ये फाइबर की इसके अंदर कॉटन भी लगी है धुआं दिखाने के लिए। मैंने ये जो लिया है इस पर हम स्काई ब्लू कलर का कलर करेंगे। अगर कलर नहीं भी करना चाहते तो इस पर स्काई ब्लू यानी कि लाइट कलर का हम पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मॉडल कैसा लगा? अगर मॉडल आपको पसंद आया हो तो इस मॉडल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ये ज़रूर लिखें, ताकि उस एरिया के अकॉर्डिंग ही हम लैंग्वेज वगैरह भी यूज़ कर पाएँ और आगे आपको और अच्छी वीडियो दिखा सकें। ऐसी वीडियो और भी हो सकती हैं, परंतु हमने सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग लगाई हैं। इसमें हमने थर्मोकोल को कम यूज़ किया हुआ है, क्योंकि थर्मोकोल पर बैन है हमारे एरिए में, हमें दूसरी जगह से लाना होता है। और थर्मोकोल के जब हम माउंटेन वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से एक मशीन बनाई है, जो 12 वोल्ट की बैटरी से या 12 वोल्ट AC-DC दोनों से चलती है, और ये आसानी से थर्मोकोल को काट देती है और इससे किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। एक बार फिर से A-to-Z प्रोजेक्ट मॉडल, ग्लोबल वार्मिंग का भी मॉडल इसी तरह बना सकते हैं, परंतु ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का मॉडल है, ये देखिए।